जय हिंद दोस्तों, एक यूट्यूब और यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे स्टैटिक जीके के 40 प्रश्न जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, और हम इसी तरह आप लोगों के कुछ ना कुछ नए चीजों को लेकर उपस्थित रहेंगे जो एग्जाम से संबंधित होगा, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा क्या, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्अवलोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये एनटीपीसी में आ चुका है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए किससे सहायता मांगा था? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, नेपोलियन। नेपोलियन से सहायता मांगा था। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसका अपना एक अलग संविधान है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर। लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और भारतीय केंद्र राज्यों में शामिल हो गया है। अब ये प्रश्न का कोई तूल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका 15 अगस्त 1972 से पिन कोड की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची के तहत कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसे जनजातीय प्रशासन के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल किया गया है जनजातीय प्रशासन के तहत। शहद का मुख्य अवयव है, तो शहद का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत कौन था? तो आंसर हो जाएगा ये रेड ड्रैगन। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था 1906 में, दादा भाई जिसमें नौरोजी अध्यक्ष थे उसी में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कांग्रेस का अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जिसमें अध्यक्ष थे। संघ एवं राज्यों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पहली पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में संघ और राष्ट्र का वर्णन है। संविधान संशोधन की पद्धति किस देश से के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। आंसर डी। होयसल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल शासकों की राजधानी द्वार समुद्र थी, ऑप्शन ए। NH1 किसको किसको जोड़ता है? तो NH1 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, शुक्र। शुक्र ग्रह में सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है। संभाजी को फांसी किसके शासनकाल में दी गई थी? तो संभाजी को फांसी औरंगजेब के शासनकाल में दी गई थी। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का संबंध किस अनुसूची से है? तो भूमि सुधार अधिनियम संबंधी सूची में है, ए नवी अनुसूची में संबंधित है, ऑप्शन सी। हमदर्द पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुहम्मद अली जिन्ना, ए। नींबू का पीएच मान कितना होता है लगभग? तो 2.4, बी, ऑप्शन बी। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन भत्तों का वर्णन किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय, द्वितीय अनुसूची में वर्णित है। अगला प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो सिनकोना वृक्ष विषुवतीय क्षेत्र में मिलते हैं, जहां पर हम वर्षा हमेशा होती रहती है। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी, नगर पालिका से संबंधित है। ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच रेखा गुजरती है यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है। रंगून किस नदी के तट पर है? तो रंगून है आपको
इरावती नदी के तट पर है। पाक जल डमरू मध्य भारत के किस राज्य के नजदीक है? तो पाक जल डमरू मध्य आपको तमिलनाडु 29 के डी तमिलनाडु के नजदीक है। पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची में है? तो पंचायती राज का संबंध 11वीं अनुसूची में है। कुकी जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? तो कुकी जनजाति आपको मणिपुर के राज्य निवासी है। ड्यूक्स मार्क किस देश की मुद्रा है? मुद्रा से भी संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो ड्यूक्स मार्क आपको हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन सी जर्मनी की मुद्रा है। लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? तो लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आपको पालक को, पालक लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला है कोणीय वेग का इकाई क्या है? तो कोणीय वेग का इकाई हो जाएगा आपको ऑप्शन ए रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन ए रेडियन पर सेकेंड। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म में गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? तो आंसर रहेगा बेन किंग्सले ने, बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी का अभिनय किया था रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में। किस राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे, किस राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी उप सभापति को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ, रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, प्रश्न एनटीपीसी में आ चुका है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और चकमा किस देश में बोली जाने वाली भाषा है? तो चकमा आपको बोली जाने वाली भाषा एवं निवासी है, चकमा किस देश के निवासी है एवं चकमा किस देश में बोली जाने वाली भाषा भी है? तो आंसर रहेगा ई बांग्लादेश, बांग्लादेश में चकमा निवासी और भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हम इसी तरह आते रहेंगे। धन्यवाद।